like, share, subscribe, and click on the bell icon to never miss an update from Epic. कहते हैं कि आप जो खाते हैं वैसे बन जाते हैं। इस बात को अपने जहन में रखते हुए मेरे मन में सवाल उठता है, आखिर पारसी कम्युनिटी के खाने में ऐसी क्या चीज होती है जो वो इतने मस्त मौला, मजाक मस्ती करने वाले, 60 साल की उम्र में भी स्वीट 16 दिखने वाले होते हैं। और इसीलिए आज मैं खड़ा हूं उस धरती पर जो पारसी कम्युनिटी का मक्का माना जाता है, उड़वाड़ा। मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर और सूरत से 150 किलोमीटर दूर इस गांव में मैं आ पहुंचा हूं। किताबों में लिखा है कि उड़वाड़ा के अग्नि मंदिर में जो पवित्र ज्योत है वो दुनिया की सतह जलने वाली सबसे पुरानी आग है। ये वही आग है जो पारसी समुदाय अपने साथ 1300 साल पहले ईरान से लाए थे। और बेशक आज उड़वाड़ा एक सुस्त सा गांव लगे, लेकिन इसकी खामोशी में पारसी इतिहास के कई राज छिपे पड़े हैं और यही बात मुझे यहां खींच लाई है, पारसी इतिहास और पारसी खाने से जुड़ी हिस्ट्री। इसलिए मैंने एक ऐसी हस्ती को ढूंढ निकाला जो पारसी इतिहास के किस्से से वाकिफ हैं। आर्कियोलॉजिस्ट और शेफ कुरुश दलाल, जो पारसी कम्युनिटी के एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। उड़वाड़ा ये जो शहर है ये पारसियों का वसा हुआ शहर नहीं है पहले। ओके। मुगलों के टाइम में यहाँ ऊँटों की जो टोली होती थी सेना की, तो उसका वाड़ा यहाँ था, तो इसका नाम ऊँटवाड़ा था। ऊँटवाड़ा, अच्छा। करीब 1300 साल पहले आज के जो पारसी है उनके पूर्वज ईरान से यहाँ समुद्री रास्ते से आए। वहाँ काफ़ी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ करता था, तो उन्होंने ईरान छोड़ा और वो इंडिया आए। जब वो यहाँ आए और यहाँ का जो राजा था जिनका नाम जादी राना था, तो उनके कोर्ट में गए और उन्होंने शरण मांगी के हम शरणार्थी है और हमें आप शरण दीजिए। तो जादव राणा को शायद नहीं लेना था, इतनी बड़ी टोली बाहर गाँव से आए क्या करेंगे, तो ही प्रेजेंटेड देम विथ अ बोल ऑफ मिल्क। तो एक बड़ा सा भांड में वो दूध लेके आए, वो ऊपर तक भरा हुआ था और उन्होंने कहा कि भाई ये जो दूध है, ये जो हमारा देश है ऊपर तक भरा हुआ है, उसमें जगह है ही नहीं। तो उन्होंने अपने कपड़ों में से शक्कर निकाली, खड़ी शक्कर, वो दूध के ऊपर उन्होंने मिला दिया और कहा भाई राजा हम तो ये शक्कर के जैसे हैं, हम दूध में ऐसे गल जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, हम कुछ जगह नहीं ले लेंगे और इस दूध को हम मीठा करके छोड़ेंगे। तो जैसे मैं कह रहा था कि जादव राणा को पारसीज जब आए तो उन्होंने एक प्रॉमिस की थी कि वो पूरे हिल मिल जाएंगे, अंदर मिल गुल जाएंगे, इंडिया की जो वेस्ट कोस्ट और गुजरात की जो संस्कृति है वो उसे पूरी अडॉप्ट कर लेंगे। और उन्होंने वही किया, खाने पीने के जो ढंग है वो भी तो उन्होंने टिपिकली गुजराती स्टाइल में अडॉप्ट अच्छा। कर लिए। तो यहाँ के जो वेजिटेबल्स है, चीनी डालना है खाने में, थोड़ा सा मिठास लाना है, अच्छा वो भी है, वो भी है। शायद उड़वाड़ा एक जगह है जहाँ आपको ऐसी रेसिपीज मिलेगी जो बाकी पारसीज भूल गए हैं। अमेजिंग, थैंक यू। पारसी संस्कृति और इतिहास के किस्सों ने मुझमें एक अलग दिलचस्पी जगा दी है। ऐसे लगता है कि ईरान से आए इस समुदाय की सारी बातों को मैं झट से जान लूं। अब पारसी इतिहास में जितनी दिलचस्पी मुझे है उतनी ही उनके खाने के बारे में भी है। और लोगों का मानना है
कि उड़वाड़ा में अगर कोई एक ऐसी हस्ती है जो पारसी फूड के इतिहास के पन्नों से वाकिफ है, वो है ज़िनोबिया सिद्वा। लगभग 250 साल पहले ज़िनोबिया का परिवार उड़वाड़ा में पवित्र अग्नि के साथ आया। शुरुआत से ही पहले उनके दादाजी, फिर पिताजी और अब उनके भाई पारसी कम्युनिटी के हेड प्रीस्ट या दस्तूर रहे हैं, और इसलिए ज़िनोबिया से मिलना तो बनता ही है। और उनके साथ घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने वाली हैं, क्योंकि वो मुझे एक ऐसी कुकिंग तकनीक दिखाने वाले हैं जो अब हो चुकी है। वैसे ज़िनोबिया जी, हाँ जी, मुझे समझ आ गई है। हाँ? कि आपने मुझे यहाँ बुलाया था ये सारी मेहनत करने को, राइट? हाँ, नारियल छील। मेहनत के बिना कुछ काम नहीं होता। हाँ, तो मैं तो आपका ये नारियल छील रहा हूँ। हाँ जी, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि हम बना क्या रहे हैं। ये जो खोई हुई जो रेसिपी है, लॉस्ट टेक्निक है, क्या बना रहे हो आप? हम जो आज बना रहे हैं उसे बुजेला बींग बोलते हैं। ओके। और ये जो है, ये टेक्निक जो है वो बहुत साल पुरानी है। जो लकड़ी जल रही है उसका जो फायर निकलेगा उसमें हम उसे बेक करने को रखेंगे। बेकिंग टेक्निक इज कॉल्ड द बुजेलो। बुजेलो इन पारसी। इन पारसी। एंड भींग? एंड भींग इज द हिल्सा फिश। हां, हिल्सा। पारसी पकवान में ऐसे बहुत सारे टेक्निक है जो हम खो चुके हैं, तो शायद एक लॉस्ट रेसिपी ऐसी है जिसे हम बुजेलो भींग कहते हैं। पाला, हिल्सा जिसे कहते हैं मछली, ये मछली के लिए पारसियों को बहुत बड़ा प्रेम है, और जब वो उसकी जो सीज़न होती है जो कहते हैं हम वेस्ट कोस्ट पे, तब पारसी घरों में तो इसे लाना ही लाना है। वैसे ज़िनोबिया जी, हाँ जी, क्या आपको मालूम है कि मछली कब से इंडिया में यूज़ हो रही है? मतलब पहले जो रिकॉर्ड है इसका कब से आ रहा है? नो नो आइडिया, कुछ भी मालूम नहीं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। Yes, तो मतलब कम से कम 3 या 3,500 साल पहले फिश खाया जा रहा है इस रीजन में। क्वाइट इंटरेस्टिंग। हाँ, मुझे भी नहीं पता था एक्चुअली, रिसर्च करके पता चला है। थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग अस। हाँ जी। अच्छा आदित्य, आप इसे पीछे रख दीजिए, तब तक हम दूसरी मैरिनेट कर देंगे। अभी आप इसे खोल दीजिए। आपके घर में कौन बनाता था? कोई बनाता था? मेरे ग्रैंडपा पहले बनाते थे, मोस्टली संडेज पे, और जब गेस्ट आने वाले होते हैं तभी बनाते हैं। अभी थोड़ी सी आप हल्दी डाल दे इस पे। वैसे हल्दी जो है ना, ये दी ओरिजिनल इंडियन स्पाइस। अभी इसे हमने मैरिनेट कर दिया है। ओके। अभी इसे हम 1 घंटे तक ऐसे ही रखेंगे। इसे वहाँ रख दो, तब तक मैं आपको चटनी बनाने के इंग्रेडिएंट्स देती हूँ। पारसी खाने में जो चटनी है बहुत कॉमन है, राइट? ये ग्रीन वाली चटनी। हाँ जी, ये ग्रीन वाली चटनी बहुत कॉमन है। व्हेन वी केम टू गुजरात इंडिया, तो तभी हमने जादव राणा को प्रॉमिस किया था सर्टेन कस्टम्स वी विल फॉलो ऑफ द गुजरातीज। सो मे बी ये चटनी हमने यहाँ से सीखी है। तो चटनी डेफिनेटली एक ईरानी चीज नहीं है, पारसी चीज नहीं है। आपकी गार्लिक हो गई है, अब हम थोड़ी सी इमली डालेंगे। इमली और मच्छी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा। बढ़िया है, एकदम बढ़िया। ओके। वैसे आप जानते हैं कि ये एक्चुअली एक ट्रॉपिकल अफ्रीकन फ्रूट है, ये वहाँ से आया है। एंड वैसे ईरान में क्या यूज होता है सावरनस के लिए पारसी खाने में इससे पहले? लाइम, लिंबू। ओके, ठीक है। सम कोरिएंडर, उसे खाली ब्रेक करके इसमें डाल दो, क्योंकि सब ग्राइंड होने वाला है अभी। जी, मैं, हाँ जी, करूं? ये थोड़ी सी और हार्ड वर्क है जो आप कर लीजिए। हाँ,
ये हो गया रेडी? एकदम परफेक्ट आदित्य। ओके लवली। अच्छा अभी आप फिश लेके आए? ये टेक्निक जो है इस तरह से स्टफ कर फिर मसलिन में करने की, ये आप कह रहे थे ये ईरान से आई है? हाँ जी। हाँ जी, तो कितनी पुरानी होगी वहाँ पे ये? मतलब बहुत बहुत पुरानी, पहले से आती आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, और भी चीज़ें हैं जो पारसी लोग इस तरह से पकाते हैं कि ज़्यादातर मछली? हाँ, होती है, कभी कभी चिकन भी होते हैं, लेकिन ऐसे फिश में ही करते हैं क्योंकि चटनी और फिश वो बहुत, जैसे मैंने बोला था, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ जी, ये मछली के पदार्थ जो है वो ज़्यादा करके ईरान में इतने पॉपुलर नहीं होते हैं। ईरान में बड़ी नदियाँ नहीं है, तालाब नहीं है, तो जब वो यहाँ आए तो मच्छी खाने वाले नहीं थे ज़्यादा करके, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने एकदम ही पूरे जिगर से मछली को अपना लिया, क्योंकि मछली ऐसा पदार्थ था जो रोज आता था। तो यहाँ माछी लोग रहते, ट्राइबल्स रहते हैं जिनका मेन ऑक्यूपेशन रहता है फिशिंग, तो उनकी नावें रोज जाती थी और रोज ताजे पदार्थ लेके आती थी और उनकी औरत सर पे लेके टोकरी लेके घूमती थी। तो हमारी नानी कहा करती थी कि जब वो उनकी नानी के घर पर जाती थी तो रोज़ सुबह मच्छी वाली आती थी और उसके आने के बाद ही डिसाइड होता था क्या दोपहर को क्या होने वाला है। अभी केले का पत्ता और मसलिन क्लॉथ लेके आइए। और इसे थोड़ा सा हल्का हल्का सा उसे वार्म करना है। अच्छा अभी इसे हम काट लेंगे। तो ये हुआ हमारा पहला, हाँ, लेयर। अंदर फिश रख देंगे। ये वाकई में ही एक बहुत ही अद्भुत पकाने का तरीका है। हमने इसे तीन लेयर्स में रैप किया है ताकि अच्छी तरह से पक भी जाए और ये जले ना। हाँ, मिट्टी हम इसीलिए डाल रहे हैं। हाँ जी, बहुत अगर हीट हो जाएगी तो पट्टा जल जाएगा, मलमल जल जाएगा। हाँ जी, तो फिश भी जल जाएगी। अब आपने देखा है, इसे पूरा अच्छी तरह से फ्लैट कर दें। जी, कोयला जो है उसका थोड़े हल्की सी बेड बना देते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा जो तरीका है, टेक्निक है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई पारसी ट्रेडिशन में? वो जो हम पहले खाना पकाते थे ना, तो उसका जो ये कोयला निकलता है तो हम उस पर चीज सिमर होने को भी रखते हैं, बेक करने को भी, कस्टर्ड भी। पहले अवन तो अभी आया, पहले तो हम कस्टर्ड भी इसी में ही ऐसे ही बेक करते। अच्छा, इसी में बनता है? हाँ जी। हाँ जी, तो ये एक प्राचीन अवन की तरह काम करेगा। हाँ जी। The heat of the koila is more intense than the oven and the gas. And gas. तो बस अभी ये रहने दे, तब तक हम यहाँ से निकलते हैं। निकलते हैं। गर्मी हो रही है थोड़ी? बहुत गर्म। थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। उजेलो जो शब्द है उसका क्लोजेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा बेक्ड या तंदूर में पका हुआ, ऐसे कि वो कम्प्लीटली वो हीट में वो बेरी हो चुके, पूरा अंदर का जो स्टीम है वो उसके खुद के स्टीम में ही पकते रहे, और क्योंकि वो पूरा वैक्यूम पैक हो गया अंदर और स्टरिलाइज हो गया तो ख़राब नहीं होता है। तो ऐसा जो भुजेला खाना रहता है ज़्यादा करके वो ट्रैवल भी होता है अच्छे से। अब मेरे एंसेस्टर्स जब नवसारी से बम्बई आए थे तो उनको 41 दिन लगे थे बैलगाड़ी में। अभी आप सोचिए 41 दिन का सफ़र है, तो क्या क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, कहाँ तक खाना रहेगा, आज तो वो होता नहीं है। तो जो ट्रैवलिंग फूड्स वगैरह होते थे वो सब लॉस्ट रेसिपीज हो गए हैं। और ये भुजेलो भिंग कभी कभी घर पर बनता था तो उसका इतना अच्छा स्वादिष्ट फ्लेवर हुआ करता था, और आज तो ऐसा हो गया है कि फिलहाल कई लोगों को ही मालूम होगा, जो बूढ़े वरिष्ठ नागरिक लोग हैं हमारे उनको याद होगी ये भुजेलो भिंग की। तो ये भुजेलो भिंग एक टिपिकल लॉस्ट रेसिपी है। से लगता है जैसे प्री हिस्टोरिक एज में बना हुआ है, है ना? एकदम इस तरीके से ये नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ खाने वाली चीज
हो सकती है राइट हाँ, लेकिन हमारी भीम इसके अंदर ही है। हाँ जी, मैं तो बहुत मतलब एक्साइटेड हूँ, कभी नहीं देखा मैंने ऐसा कुछ तोड़ के। लुक्स परफेक्ट। फिश की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है, थोड़ी स्टीम्ड, थोड़ी स्मोक्ड और पूरी तरह से डिवाइन। हिलसा और हरी चटनी का स्वाद एकदम परफेक्टली एक दूसरे के साथ घुल चुका है और चटनी से इस डिश को खट्टा मीठा टेस्ट मिल रहा है और मछली का टेक्सचर तो बिल्कुल मक्खन जैसा स्मूथ है। मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है इसका फ्लेवर जो है उसको डिस्क्राइब करने का, एकदम अनोखी है और ऐसे लगता है सच में कि हम एक दूसरी ही सदी में इस रेसिपी के साथ चले गए हों। चले गए बिल्कुल ही अमेजिंग। गुजरे जमाने की एक अलग ही बात है और जैसे जैसे मैं अतीत के पन्नों को पढ़ने लगता हूँ वैसे वैसे मेरे मन में हमारे इतिहास और हमारे खाने और पकाने के तरीकों को लेकर कई सवाल उठने लगते हैं। आखिर क्या है इनकी कहानी, जैसे कि अंडा पारसी जिंदगी का हिस्सा कैसे बना, पहले मुर्गी आई या अंडा, पूरी दुनिया के लिए ये एक काफी ट्रिकी सवाल है। पर अगर यही सवाल पारसी से पूछो तो वो झट से जवाब दे देंगे कि सबसे पहले आता है अंडा। पारसी को अंडे से इतना प्यार है कि अगर शाहजहां पारसी होता तो वो मुमताज के लिए नहीं बल्कि अंडे के लिए ताज बनाता। उनके इस प्यार का सबूत है एक मिठाई जो अंडे से बनाते हैं। सोचिए अंडे की मिठाई ईदा पाक। तो सारे जो रेसिपीज है, जो खोए हुए रेसिपीज, भूले हुए रेसिपीज है, उसमें से शायद मेरा फेवरेट रेसिपी ईदा पाक है। तो ये अंडे की बर्फी समझो या अंडे का मावा समझो, जो आजकल बहुत कम दिखता है, ऐसे समझो कि दिखता ही नहीं है। आदित्य, प्लीज कम। बस आंटी, इतने सारे अंडे ओनली? ना ना, वेरी लिटिल। नो नहीं, लगता है मैं अंडे अंडा पाक बनाने वाली हूँ। मुझे पता है, मुझे पता है। ये एक्चुअली अंडे का हलवा है, करेक्ट? अंडे का, हाँ? यस यस। और ये रेसिपी मतलब आजकल कोई बनाता नहीं है? नहीं, आजकल लोग भूल गए, सब लोग भूल गए। पर आप इज ऑल ओल्डीज, ओल्डीज यूज्ड टू ईट अंडा पाक। ओल्डीज यूज्ड टू ईट बिकॉज़ दे ऑलवेज बी प्रेफर बीइंग हेल्दी। एंड व्हाट अबाउट यंगीज? मतलब यंगीज नो, दे आर वेरी हेल्थ कॉन्शियस। अच्छा, सो दे वांट टू अवॉइड ईटिंग एग्स। जी, पारसी लोग मानते हैं कि जब ठंडी का मौसम आता है तो आदमी कमजोर हो जाता है, तो ठंडी में पोषण के लिए, ताकत के लिए ताकतवर पदार्थ खाने चाहिए, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिसमें से गर्मी आएगी बॉडी में। तो ईदा पाक ऐसा है कि अंडों का पाक होता है। ये टिपिकली एक ईरानियन हैंगओवर है, एक जो उनका मादर वतन का हैंगओवर है जहाँ कड़ी ठंडी होती है। तो ये ऐसा एक रेसिपी है जो शायद मैंने मेरे बचपन में एक दो बार खाया था। मैं आपसे ये पूछ रहा था, लेकिन आपका जो किचन है जी, हाँ, ये एक ट्रेडिशनल, बिल्कुल ही ट्रेडिशनल पारसी किचन है। यूजुअली ऑल पारसी प्रिस्ट्स, दे यूजुअली मेंटेन दिस टाइप ऑफ फायरप्लेस। किचन कितना पुराना है, मतलब आपका ये घर? ये घर शायद 250 to 260 years old। वाकई मुझे लगता है कि मतलब यहाँ पर आके हम भी मतलब उस समय में वापस आ जाने वाले हैं। नहीं तो आंटी, इस ईदा पाक में क्या क्या जाएगा, इंग्रेडिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स मेन तो अंडे लगते हैं। और यहाँ पे हम कितने अंडे डालने वाली हैं इस पाक में? 15। सो आंटी, शुड वी स्टार्ट, मतलब शुरू करें ईदा पाक बनाना? यस, कैन यू हेल्प मी? जी जी, जस्ट गेट मी दैट वेसल प्लीज। पारसीज़ की जो लव स्टोरी होती है अंडों के साथ, वो तो काफ़ी फेमस है। और हर पारसी के घर के पीछे जो जगह रहती थी उसमें मुर्गियाँ रहती थी, मुर्गियाँ अंडे देती थी, तो अंडे बड़े पैमाने में उन लोग खाते, बड़ी तादाद में अंडे खाते हैं पारसी। तो पारसी लोगों का ये ऐसा जोक होता है कि वो तो भाई किसी के ऊपर भी अंडे खा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा करके उनको भाजी खाने का
शौक नहीं है। तो जो भी सब सब्जी होती है, जो लेफ्ट ओवर सब्जियाँ होती है, उसके ऊपर वो अंडे क्रैक करके स्टीम करते हैं। तो इसके ऊपर अंडा, उसके ऊपर अंडा, तो भिंडी पे अंडा, आलू के ऊपर अंडा, टमाटर के ऊपर अंडा, सब्जी भाजी के ऊपर अंडा, पालक के ऊपर अंडा, ऐसे अलग अलग पदार्थ रहते हैं उनके। ये एक टिपिकल हॉलमार्क है जो और कोई नहीं बनाता। सो आंटी, लास्ट वन, गुड लक, गुड लक। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। ठीक है, ये हो गया। Now we'll put sugar, cream. अच्छा, अगर मेरे पास फर्ज करिए पहले के जमाने में चीनी तो नहीं डालते थे, क्या डालते थे इसमें? जैगरी डालते थे, जैगरी डालते थे, गुर, डेट पाम का, पाम शुगर। अच्छा। उसका हाफ केजी डालने का अपने को। वाह, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वैनिला एसेंस। तो ये भी जरूरी है बिकॉज इट गिव्स फ्लेवर। जी, काफी है ना? या बस इनफ। रोशन आंटी ने मुझे बताया कि पहले फ्रेश वेनिला बीन से बनाया हुआ वेनिला पेस्ट को इसमें डाला जाता था। आजकल तो लोग बॉटल्ड एसेंस से ही काम चला लेते हैं। थोड़ी देर बाद उसमें वेनिला का एसेंस या वेनिला का पेस्ट जो रहता है बीन्स के अंदर से निकाला हुआ, वो तो वेनिला भी रहता है उसमें, गुलाब भी रहता है उसमें, और इलायची भी रहती है उसमें। तो ये तीनों जो फ्लेवर्स है उसे बहुत एनहांस करते हैं, और साथ साथ में उसका जो अंडापन है वो भी ढक देता है। And we have to put ghee. For 15 eggs we require half kg of ghee. Rich है ये? Yes. Dish. बिल्कुल ही मतलब जिसे बोलते हैं energy packed. Delicious. अभी आंटी? अब इसमें थोड़ा rose water डालेंगे हम। तो ये जो रोज वाटर है, जो गुलाब जल है, वो टिपिकली ईरानियन फ्लेवर है, और ईरान में रोज़ वाटर का बहुत यूज़ होता है। सिर्फ पानी में कभी कभी मिला के या शरबत बनाने के लिए ये जो गुलाब होते हैं उसे डिस्टिल करते हैं। तो ये जो गुलाब जल है, जब ईरानी लोग फिर से इंडिया आए करीब 150-200 साल पहले, तो वो ये गुलाब जल बड़ी मात्रा में अपने साथ उसका यूज़ फिर से लेके आए, और पारसीज़ ने ताबड़तोब इसे यूज़ करना चालू कर दिया। उसके अंदर थोड़ा हम लोग वो क्रश्ड आमंड्स डालेंगे। डालू? Yes. अभी उसको बराबर चर्न करने के बाद स्लो फायर पर रखेंगे, और बार बार चर्न करते रहेंगे, नहीं तो फिर वो ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट स्टिक टू द बॉटम। Are you enjoying, Aditya? Absolutely, auntie. बहुत मजा आ रहा है। ये जो लकड़ है और ये जो wood fire है, ये तो बिल्कुल ही traditional हो गया ना जी? Now just give it to me. Yeah. You must be tired. ये हम भूल जाते हैं कि ये आज हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, दो तीन चार जन रहते हैं घर में, तो इस जमाने की ये रेसिपी नहीं है। ये उस जमाने के है जहाँ बड़े बड़े फैमिलीज घर में साथ में रहते थे। कभी कभी दो तीन फैमिलीज, दो तीन घर के लोग साथ आते थे ये बनाने के लिए। मौसी, काकी, मामी सब लोग साथ में आते बनाने में। घर में एक त्यौहार का मूड होता है, एक एटमॉस्फेयर होता है, तो ऐसा ही एटमॉस्फेयर बनता था। वो जमाने में इतना कुछ अवेलेबल नहीं था, एवरीथिंग वॉज होम मेड। स्पेशली दिस टाइप ऑफ डिशेज यू नो वर मेड फॉर प्रिस्टली फैमिलीज। दे आर नॉट सपोज टू ईट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। इससे वो बिल्कुल जिसे बोलते हैं हलवा, मिठाई, हलवे वाला वो फ्लेवर आएगा इसमें, है ना? सारा डाल दूं? Yes, put on. अब ये thick भी होना शुरू हो गया। शुरू हो गया है। At least it takes about 20 minutes to stir. Thicken होना शुरू हो गया है। अब हलवे की तरह लग रहा है।
ईदा पाक से भूंजी हुई सौंधी खुशबू आ रही है और ये मुझे कुछ कुछ बादाम पाक और मैसूर पाक की याद दिलाती है। So, आंटी, this now, ये हो गया है। हो गया, हाँ? हो गया। अंडा पक चुका है, ये देखिए। Isn't it your mouth watering? Yes, absolutely. You know, मतलब मैंने कभी ऐसी। I'd love to. Do you feel? बिल्कुल, बिल्कुल। फर्स्ट टाइम मैं ऐसी चीज देख रहा हूँ, मैंने इससे पहले आज तक ऐसी रेसिपी नहीं देखी है, बिल्कुल ये अनोखी। खाई भी नहीं होगी। Aditya, now this is ready to be used, to be tasted. And it's looking great, auntie. बढ़िया लग रहा है. Taste करना चाहिए, auntie, अब तो. Yes, sure, sure. है ना? Yes. Awesome, no? मैंने कभी इसको पहले taste नहीं किया. लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। सच में एक खोई हुई फूली हुई रेसिपी एक अद्भुत जगह में। काश मैं 200 या 300 साल पहले पैदा हुआ होता तो रोज ऐसी मजेदार चीजें खाने को मिलती। क्या समय था, वाह। चलो ये तो हो गई मिठाई की बात, ईदा पाक की बात हो गई, लॉस्ट रेसिपीज की बात हो गई। लेकिन आज अगर आप पारसी क्यूजिन के बारे में बात करें, पारसी ट्रेडिशंस के बारे में बात करें, तो आप बेकरीज को नहीं भूल सकते। जब पहले ज़ोरास्ट्रियन रेफ्यूजीज इंडिया आए करीब 1300 साल पहले, वहाँ उनके ऊपर बड़े प्रोसिक्यूशंस थे, बड़ी पाबंदियाँ थी। आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ये प्रोफेशन में नहीं भाग ले सकते हैं। मगर एक प्रोफेशन में अगर वो माहिर थे वहाँ ईरान में, तो वो था बेकरी का ट्रेडिशन। आज की जो ईरानी बेकरीज है उसमें आपको क्या पर्शियन इन्फ्लुएंसेस दिखते हैं? तो पहली बात है कि जो एग वाइट्स होते हैं वो यूज़ किया जाता है कुकीज़ में, किसा हुआ बादाम वगैरह होता है, पिस्ता वगैरह होता है। आज भी आपको ईरानी बेकरीज में यही जो ईरानियन ट्रेडिशन है, ये मकरूम्स का ट्रेडिशन है, ये जो मावा केक्स का ट्रेडिशन है, ये जो नान खटे का ट्रेडिशन है, आज भी आपको यही छोटे छोटे बेकरियों में दिखेगा। किसे पता था कि मैकरून ईरान से आया है? वाकई उडवाड़ा आकर ये तो पता चल गया कि इतिहास में सच में कुछ खास है। और इसलिए अब फाइनली वक्त आ गया है एक ऐसे रेसिपी को देखने का जो पारसी और इंडियन कल्चर की एक अहम कड़ी है, जो मुझे लेकर आई है उडवाड़ा से 42 किलोमीटर दूर संजान। ये वो जगह है जहां 1300 साल पहले पारसीज ने पहली बार इंडिया में कदम रखा था। इस बात को याद दिलाने अब यहां सिर्फ एक मेमोरियल है जो उस धरती पर बना है जहां पारसीज ने ईरान से लाई अपने होली फायर को पहली बार रखा था। और कुछ ऐसी पारसी फैमिलीज हैं जो अब भी इतिहास के किस्सों का हिस्सा बनकर यहां बसी हुई है। उन्हीं पारसी फैमिलीज में से एक मुझे फास्ट फूड की वो खोई हुई रेसिपी सिखाने वाले हैं जिसका नाम है उम्बरियो। हाय उर्वक्ष। हाय आदित्य। हाय आदित्य, हाउ आर यू? गुड, कैसे हो आप? बैठो बैठो। अरे आपने तो मेरे बगैर शुरू कर लिया, राइट? नहीं, प्लीज सिट, जस्ट ट्राइंग इट आउट। अभी कोशिश कर रहे हैं कैसे होता है, ये इतना पुराना रेसिपी है। तो इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब कुछ नहीं, अभी तक शुरू नहीं किया है। हम लोग सिर्फ देख रहे थे कि कैसे बराबर बैठेगा, कहाँ कैसे रखना है ईंट को। इसका टेक्निक बहुत पुराना है, इतना पुराना है कि लोग भूल गए इसको। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आया हूँ और आपको ये देखते हुए तो मतलब मुझे समझ आ गई है कि ये कुछ बहुत ही धासु रेसिपी है। एब्सोल्युटली। अब मुझको आप इस टेक्निक के बारे में बताइए, आप क्या कर रहे हो? पहले तो इसका नाम है उम्बरियो। उम्बरियो टेक्निकली अगर उसको कहा जाए तो उल्टा।
पलट के बनाना। ये एक ओल्ड फैशन प्रेशर कुकर है, बहुत फास्ट कुकिंग है। जैसे प्रेशर कुकर होता है तो जल्दी बहुत जल्दी पक जाता है। सच बताऊं तो मैंने कभी ना तो ऐसी टेक्निक देखी है ना तो ऐसी रेसिपी के बारे में कभी सुना है, तो जाके प्रेप करें। शुभ काम में देर क्यों, शुभ काम में देर क्यों, आइए चलिए। वेरी नाइस। तो जैसे कि हमने इतने लॉस्ट रेसिपीज के बारे में बात किया है, तो एक लॉस्ट रेसिपी है जो इतनी पॉपुलर है और कम्प्लीटली ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुकी है कि उसके ऊपर एक छोटी सी पोएम भी है, पापरी मा गोस्ते उबर यू ने तुरई व गर्नु जीवतर बरियो। तो वो ऐसा, उसका एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि एक यंग पारसी प्रीस्ट है, तो वो अपनी दुख भरी कहानी कह रहा है दुनिया को। तो कह रहा है कि वाल की जो फली होती है, तो वाल की फली में अगर आप मटन पकाएंगे तो उसे उबरियू कहते हैं, लेकिन बीवी के बिना आदमी का जीना ही हराम होता है। तो ट्रांसलेशन में तो वो खो जाता है, मगर गुजराती राइमिंग इसमें काफ़ी फनी हुआ करता है। वाह, ब्यूटीफुल किचन, लवली। वाओ, पहले तो मैंने इतनी सारी, मतलब जिसे बोलते हैं अलग अलग किस्म की इंग्रेडिएंट्स एक डिश के लिए पका। ये एक डिश के लिए है, ये अलग अलग फार्मर्स अलग अलग अपनी सब्जियां लाते हैं, इकट्ठा बैठते हैं, पकाते हैं, खाते हैं। इट्स अ वेरी मैन थिंग। ये जो आइटम है उबरियू जिसे कहते हैं, तो ज्यादा करके पुराने जमाने में ये सिर्फ जेंट्स लोग बनाया करते थे। तो सब जेंट्स लोग एक बार फसल सब कट चुकी है तो खेतों में जाते थे, तो उनकी मजलिस लगती थी, तो वो सब जमा होके काम करना है वगैरह सुबह, तो सुबह सुबह ये गड्ढा बना के इसको गाड़ा जाता था। फिर शाम को एक बार जो भी फसल वगैरह का काम करना है, लेना देना करना है, वो जब हो गया तो शाम को बैठते थे, थोड़ी ताड़ी वगैरह मंगाते थे, उसके बाद इसको मिट्टी में से निकालते थे और केले के पत्तों को के ऊपर ही प्लेट बना के साथ में बैठ के सब लोग खाते थे। ये मैंने नहीं देखा है कभी, इसको ये क्या बोलते हैं? कोचायन करके, कोचायन इट्स अ ट्यूब। अच्छा, और अंडरग्राउंड है, इतना बड़ा हो जाता है, सबसे बड़ा ट्यूबर है। ज्यादातर वो मैंगो ट्रीज, आम के ट्रीज के आसपास मिलते हैं। चलो ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सब्जियां। जो पारसी ईरानी इन्फ्लुएंस है वो है मीट का। जी, इज दैट राइट? इसमें हम दो मीट्स डालते हैं, हम एक ये मुर्गी डालते हैं, पुराने जमाने में वो तीतर डालते थे, अलग अलग गेम मीट्स डालते थे, शिकार के मीट्स डालते थे। आज के ज़माने में हम अभी गाउटी मुर्गी लेते हैं, और दूसरा इसकी मुर्गी के पेट में, कैविटी में, हम चिकन लिवर डालते हैं। ओके, ये मुर्गी के पेट के अंदर का थंडर। शुरू करें? हाँ जी, हम इस फ्रेश ग्रीन गार्लिक को चॉप कर लेते हैं, एंड धनिया, और धनिया को भी। ठीक है, ये हो गया जी। हाँ जी, चॉप्ड, परफेक्ट। ओके, तो ये तो हो गया है। हाँ जी, और आप मसाले लाए हो, क्या क्या है इसमें? ये है धाना जीरू, धाना जीरू। हाँ जी, पारसी, दैट्स हाउ यू से इट। अजवाइन, ओके, राय के दाने, क्लोव्स, इलायची और तज। ओके, ब्यूटीफुल। तो इसको आप अभी आप क्या करेंगे, ड्राई रोस्ट करके इसको ग्राइंड करेंगे, ड्राई रोस्ट करेंगे। परफेक्ट। ओके जी, ये हो गया है। हाँ जी, बहुत ही मतलब बढ़िया खुशबू है। हाँ जी, और वो स्पाइसेस की भी सुपर्ब। यस, यू कैन स्मेल ऑल द ब्यूटीफुल अरोमा जो निकल रहा है ये ड्राई रोस्ट करने से। लवली, अभी इसको हमको कूटना है। ये कूटने से भी खुशबू निकल रही है। अब मैं जो हम लोग ने पहले से काट के रखा है वो लाते हैं। रतालू, दिस इज दैट कोचायन, कोचायन बेबी ब्रिंजॉल, ये हमारे बेबी टमाटर, बेबी प्याज, और ये है बेबी पोटैटोज, और ये हमारी रेसिपी की क्वीन सुरती पापड़ी। और इसको हम ये मसाला डालते हैं, थोड़ा घी डालते हैं और मिक्स करते हैं। चलिए, घी डाल दिया, अभी इसमें स्पाइसेस डाल देते हैं, और इसमें जाएगा उसका टॉडी।
इसको अगर हम सुबह सुबह पीते हैं तो इसको कहते हैं नीरा. नीरा इज वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. जी ओके. और इसको एक कुकिंग इंग्रेडिएंट की तरह बहुत इस्तेमाल होता है पारसी क्विजिन में. अच्छा? हम 3-4 डिशेस प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि एक उमरियू है, या तो हमको अगर कुछ राइजिंग एजेंट चाहिए. एक प्राचीन रेजिंग एजेंट, जब यीस्ट नहीं होता था उससे पहले ज्यादातर इन्हीं चीजों का इस्तेमाल होता था. करेक्ट. अभी हम इसमें हमारे हाथ धोने हैं. तो हम टॉडी लगा के धोएंगे इसी में, तो हमारे हाथ में जो थोड़ा मसाला आ गया है वो वापस जाएगा. चले जाएगा. मुझे लगता है टॉडी थोड़ी ज्यादा हो गई है. हाँ, कोई बात नहीं. कोई बात नहीं ना. ये हो गया मिक्स. अब इसमें करी पत्ता, धनिया और ये गार्लिक. इतनी देर से उमबरियो को बनाते बनाते मेरी भूख और प्यास बढ़ने लगी है. क्यों ना पाम टॉडी का थोड़ा आनंद लिया जाए. अब क्या करना है? अभी मुर्गी में कलेजी डाल देते हैं. मैंने मटके में बहुत चीजें जाती हुई देखी हैं, लेकिन मटके में मुर्गी मुश्किल है, मुश्किल है. अच्छा, ये क्या है? ये कालन, इट्स अ वाइल्ड प्लांट. इसका स्ट्रेंथ है कि वो आग संभाल सकता है, जल्दी पकता नहीं. ओके. तो इसको नीचे रखते हैं ताकि ये जो हमारी सब्जियां जले नहीं. ओके. और ऊपर भी रखते हैं ताकि हमारा जब हम उल्टा करेंगे ये बाहर नहीं निकलेगा. Okay, तो एक तरह से एक नेचुरल सीलेंट है, नेचुरल प्राचीन, और उसके फ्लेवर भी है. ये आ गया हमारा बेस. अभी इसमें हमारा सब्जी आएगा. एक जमाना था जब सब पारसी घरों में सब रसोई के जो बर्तन होते थे ज्यादा करके तांबे पीतल के हुआ करते थे और मिट्टी के हुआ करते थे. और ये जो मिट्टी के बर्तनों में खाना पका हुआ रहता है उसका कोई टेस्ट अलग ही रहता है. तो इंग्लिश में कहते हैं ना, द वेसल इम्पार्ट्स टेस्ट टू द डिश. तो ऐसे ही शेप जो हुआ करता था, जो मटेरियल हुआ करता था, उसका एक बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ करता था फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर. अभी तो ऐसे समझ लो कि सब पारसी रेसिपीज जो है उसमें मिट्टी के बर्तन वापरना हम भूल चुके हैं. एक सिर्फ ये उमरियू है जो आज भी सिर्फ मिट्टी के बर्तन में ही पकता है. अभी इसमें हम हमारी मुर्गी डालेंगे. कैसे? मैं ये देखना चाहता हूँ कि अंदर जाती कैसे. आराम से. वाह, ये हमारी मुर्गी बढ़िया से फिट हो चुकी है. ओके सर, ये हो गया. अभी इसको सील कर देते हैं. नाउ वी सील द लिड. ठीक है जी, इसको सील करेंगे. थोड़ा घी हाथ में ले लेता हूँ. ठीक है जी, परफेक्ट. अभी इसको उल्टा करके आग में रख देते हैं. को इसमें कोई प्रेयर तो नहीं करनी? नहीं, गुड लक वाली. अभी हो गया. हाँ, मेहनत किया, प्रेयर हो गया, काफी है. चलिए अंदर है, ले जाए. लेट्स टेक इट देयर. ओके, लेट्स कुक इट. पता ऐसे यहाँ पर मतलब आपके साथ चलते हुए इस हाथ में ये मतलब मटका पकड़ते हुए मुझे फीलिंग आ रही है कि मतलब हम हिस्ट्री में वापस चलेंगे. नहीं, ट्रेडिशन. अब मैं आपको हैंड ओवर कर देता हूँ आपका ये उमरियो. अब हम क्या करेंगे इसको? इसको हम उल्टा रखेंगे, हमारा प्रेशर कुकर बनाएंगे. एक खोई हुई रेसिपी, एक खोया हुआ तरीका, टेक्निक जो मैंने कभी नहीं देखा और मैं जानता हूँ कि आपने भी ये कभी नहीं देखा होगा. इसके ऊपर हमको पाला रखना है, आम का पाला. ओके. और रेसिपी में लिखा है कि 2 दिन पुराने आम के पत्ते चाहिए. हमने इसको 2 दिन रखे. आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि इसके अंदर हमारा खाना पक रहा है. इसे कहते हैं लॉस्ट रेसिपी और लॉस्ट तरीका.
मतलब आग अब बिल्कुल ही जिसे बोलते हैं इंटेंस हो चुकी है, गरम, इंटेंस। तो ये जो अभी उबरियो है, एक अर्बन मिथ हो गया है, एक कंप्लीटली लॉस्ट रेसिपी हो गई है, और पारसी कुकबुक्स वगैरह आप जो पढ़ेंगे तो इसमें उसका उल्लेख होता है कि ऐसा भी एक डिश हुआ करता था, लेकिन उसे ये बुक में ऐड करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि कहाँ आप ये बनाएंगे। तो ये ज़रूर एक रेसिपी है जिसे रिकॉर्ड करने की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अभी शायद अगले 10-20 सालों में जो लास्ट के उबरियो बनाने वाले हैं वो भी बनाना बंद कर देंगे। Oh, this is lovely. We're going to share a lovely epic umbariu. लेकिन उसके पहले हमारी परिवार हमेशा एक छोटा सा प्रेयर कहते हैं before we eat. Thank you, Lord, for this food. Blessed that you may give us strength, energy, and good health. Amen. Wow. खोल दे? Please. Oh, look at that. Look at that. Look at that. That looks good. क्या बात है? अच्छा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मेरे पास मैंने ऐसे मतलब जो फ्लेवर्स हैं जैसे आप कह रहे थे कभी महसूस नहीं किए, टेस्ट नहीं किए। मैंने पूरी ज़िंदगी में उंबरियो से ज़्यादा टेस्टी कुछ नहीं खाया होगा। ये तंदूर या फायर रोड में पके हुए खाने के जैसे नहीं है, स्मोकी, अर्दी और सारी की सारी पकाई गई सब्जियों का परफेक्ट स्वाद। चिकन और वेजिटेबल्स भी इतनी परफेक्ट कुक की गई हैं कि क्या बताऊं। ये सच में उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देती हैं अगर आप चम्मच के बिना खा रहे हो तो। सच में आज पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि हम वाकई में ये एक प्राचीन रेसिपी टेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ही मतलब इसके फ्लेवर्स हैं 2 या 3 हज़ार साल पहले, मुझे लगता है इसी तरह लोग बैठे होंगे और इसी तरह से उन्होंने मटके से ये चीज़ निकाल कर खाई होगी। सच में वेरी गुड, बैक इन टाइम। और जो हमारा मकसद था पारसी रेसिपीज और कल्चर और हिस्ट्री के बारे में कुछ जानने का, वो हमारा पूरा हुआ और सफल हुआ। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। हियर्स टू ऑल ऑफ यू एंड योर एपिक उंबरियो। आज इस बात का एहसास भी होता है कि जैसे जैसे हम आगे और फास्ट लाइफ की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे हमने कई रेसिपीज और पकाने के तरीकों को पीछे छोड़ दिया है। ऐसी रेसिपीज जो दुनिया के सामने आने के लिए बेकरार है, और मैं इन्हें सबके सामने जरूर लाऊंगा। लेकिन मेरी तरह आप भी देखते रहिए, क्या पता आपको भी इतिहास को एक बार फिर वर्तमान बनाने का मौका मिल जाए।